दोस्तों, जब राजस्थान में नाग की मौत के बाद नागिन ने जो किया उसे देखकर सभी लोग कांपने लगे। पूरी कहानी जानने के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्राचीन काल से ही प्रचलित है कि एक ऐसी नागिन होती है जो कि इच्छाधारी होती है, अर्थात कि वे किसी का भी रूप धारण कर सकती है। भारतीय सिनेमा में भी कई फिल्में नाग नागिन के ऊपर बनाई गई हैं, जिनमें ये भी दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में महादेव के सच्चे भक्त जरूर लिखें हर हर महादेव। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर एक तुषार नाम का व्यक्ति रहा करता था। तुषार बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गायें थी और बकरियां भी थी। उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गायों को चराने के लिए भेजा, परंतु जब वह गाय चरा कर वापिस लौटा तो तुषार ने देखा कि इसमें तो एक गाय कम है, शायद वे जंगल में कहीं रह गई होगी। उसके बाद तुषार ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल से गाय को लाता हूँ। जब वो बीच जंगल में पहुंचा तब उसने देखा कि सामने पेड़ के नीचे एक गड्ढे में बहुत ही चमकीली चीज चमक रही है, तो उसने सोचा कि ये कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उस चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नागिन की नाग मणि थी। उसके लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब वे चमकीली चीज बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे वहां मौजूद इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वे उसी समय वहां पर मर गया। जब तुषार को ये समझ आया कि ये नाग मणि है और उसने इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बहुत ज्यादा डर गया। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर गया है। हाँ, वो वाकई में मर चुका था। तुषार ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आया और उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसने नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि जो मेरी गायें जंगल में खो गई है वे तुरंत मेरे पास आ जाए, और अगले ही पल वे गायें उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में तुषार बहुत ही खुश हो रहा था, मानो जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी हो। वो सब कुछ पालेगा जो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वे गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिल का चेहरा भी देख लिया था। दरअसल तुषार ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, उसे ऐसे ही वहां पर छोड़कर आ गया, और उसकी यही गलती वजह बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी की। धीरे धीरे तुषार ने नागमणि की सहायता से सारे सुखों को हासिल कर लिया और बड़े ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगा। उधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए तड़प रही थी, परंतु जब तक तुषार के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसको नहीं मार सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदल कर एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण किया और तुषार के गाँव में आ गई। नागमणि होने के कारण तुषार बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। एक दिन तुषार काम के सिलसिले से एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके उसके रास्ते में आकर बैठ गई और रोने लगी। जब तुषार ने उससे रोने का कारण पूछा तो उस स्त्री के भेष में नागिन ने बताया कि मेरा नाम मेघा है, मैं अपने पति के साथ पास के गांव में रहती हूँ, परंतु कल रात वो किसी अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उस नागिन की झूठी कहानी सुनकर तुषार को उस पर तरस आ गया। अब क्योंकि तुषार उस स्त्री की सच्चाई से अनजान था तो उस पर तरस कर उसने उसकी मदद करने की सोची, और साथ ही तुषार उसकी सुंदरता से बहुत आकर्षित भी हुआ। वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और तुषार में गहरी दोस्ती हो गई और वो दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि तुषार को पता ही नहीं चला कि वो कब उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन तुषार और मेघा घूमने के लिए गए
एक जगह पर बैठकर मेघा ने पूछा कि ये तुमने गले में क्या पहन रखा है। तो तुषार ने कहा, ये तो एक मामूली सा तावीज़ है। वो नागमणि जो तुषार ने तावीज़ के रूप में अपने गले में पहन रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो, मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु ये सुनकर तुषार बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि मैं नहीं दे सकता, तुम इसके अलावा कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें ला दूंगा। इसके बाद इच्छाधारी उस लड़की ने तुषार से कहा, अच्छा तो तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज़ क्या मांग ली, तुम उसी से मुझे मना कर रहे हो। इसके बाद तुषार ने कहा, ठीक है परंतु कुछ देर इसे पहनकर मुझे वापस दे देना। और तुषार ने उस चमकीली चीज़ को गले से निकालकर उस लड़की के हाथों में दे दिया। और जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई तो उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर तुषार कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डस डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का पूरा बदला ले लिया। दोस्तों आप भी ध्यान रखिएगा कि नाग नागिन या किसी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत ही बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।